हेलो दोस्तों यहाँ पर हम आज बात करने वाले इज्मो लिमिटेड से रिलेटेड इस शेयर के बारे में मुझे आज ही पता चला ओके आ, और इस शेयर में मुझे यहाँ पर पोटेंशियल नजर आता है टेक्निकली ये अच्छा नजर आता है फंडामेंटली एक बार हम यहाँ पर दोबारा चेक कर लेंगे ओके और देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल क्या है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि चीजें समझ में आए इजमो की बात करें नाइनटीन में ये फाउंड हुआ था एंड इज इन टू द बिजनेस ऑफ इंटरक्टिव मार्केटिंग सोल्यूशन तो मार्केटिंग सोल्यूशन में कंपनी काम करती हुई नजर आती है हाईटेक ऑटोमेटिक ई रिटेलिंग सोल्यूशन इन नॉर्थ अमेरिका यूरोप एंड एशिया मतलब ये यह यहाँ पर no. ई e रिटेल में यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आते हैं और फॉरन में मोस्टली ये काम नॉर्थ अमेरिका यूरोप और एशिया में कंपनी काम करती है दे ऑफर सेल परफॉर्मेंस कोचिंग ओ ई एम्स सर्टिफाइड सी आर एम एंड आई एल एम सोल्यूशन एटसेट्रा दंपनी ऑल्सो ओन्स दर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव इमेजेस एंड एनिमिनेशन एंड हैज क्लाइंट बेस ऑफ सम ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोटिव रिटेल ग्रुप्स इन द वर्ल्ड और यू यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कंपनी काम करती हुई नजर आती है सर्विस ऑफर की बात करें तो मोस्टली पर है इनका ऑटोमेटिक रिटेल सॉल्यूशन इट प्रोवाइड्स द इंटरनेट द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड मतलब जो भी कंपनीज है ओके okay, उन्हें यहाँ पर एक इंडस्ट्रीज को क्या प्रोवाइड करती हुई नजर आती है यहाँ पर इंटरनेट सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती हुई नजर आएगी ओके okay? ओ के रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है मार्केट लीडर की बात करें फ्रांस में और मेक्सिको uh, में एंड इंडिया में ये मार्केट लीडर भी है तो ये एक पॉजिटिव बात है इसमें मीडिया में मीडिया में सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है डिफेंस सेक्टर में भी ये कंपनी कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आती है एमुनिशियम मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक ये जो बनावट वगैरह होती है ना उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो काफी अच्छा नजर आता है और ये जो डिफेंस है के इंडिया के लिए नहीं यहाँ पर आप देखिए डिफेंस टेक्नोलॉजी यूएसए के लिए कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो काफी बेहतरीन यहाँ पर ये नजर आती है यहाँ कंपनी कैटर्स द इंडियन एमओडी ने पैरामिलिट्री पर, फोर्सिस को भी यहाँ पर कैटर करती है और यहाँ पर इनका जो सेटअप है गोवा के पास है और कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट जो ए के फोर्टी सेवन ए के वन जीरो जो बनती है में शायद यही कंपनी बनाती हुई नजर आती है तो काफी अच्छा यहाँ पर है रशिया के साथ टाई अप्स है अप के साथ तो यहाँ पर कंपनी काम कर रही है तो अच्छी बात है उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है वहाँ से नाइनटी फोर परसेंट और बात करें यहाँ पर सोल्यूशन से सिक्सटी सिक्स परसेंट के आसपास कंपनी यहाँ पर um तो यहाँ पर यहाँ पर अर्निंग करती है क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पर निशान मतलब जितनी भी ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव से, से पर सेंटर है कार्स वगैरह है उनके लिए कंपनी काम कर रही है माइक्रोसॉफ्ट के लिए कंपनी काम कर रही है मीडिया के सेक्टर में एज वेल एज यहाँ पर बात करें एंड अदर प्ले स्टेशन एंड और ऑडी होंडा एक्सेट्रा के लिए कंपनी काम कर रही है तो मुझे यहाँ पर ये यह शेयर का यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की बात करें फंडामेंटल्स की बात करें बिजनेस मॉडल की बात करें वो यहाँ पर अच्छा खासा नजर आता है ज्यादा यहाँ पर पढ़ना है तो एक बार जाइएगा तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएगी कि, कि किस तरीके से यहाँ पर ये कंपनी काम करती है बिजनेस मॉडल किस तरीके से इनका ये काम करता हुआ नजर आता है और अच्छे खासे यहाँ वहां से रिवेन्यू कमाते हुए नजर आते हैं तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 159 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है 159 मतलब माइक्रो कैप कंपनी है इस चीज को याद रखना है माइंड में कि जब शेयर भागेगा तो अच्छे रिटर्न देगा जब गिरेगा तो अच्छे खासे गिरता भी नजर आएगा गिरने की बात करूं तो यहाँ देखिए कभी ये शेयर उनतीस रुपए पे हुआ करता था तो कभी तीन सौ चार सौ रुपये हुआ करता था उसके बाद शेयर में गिरावट हुई चार सौ रुपए से दोबारा यहाँ पर सत्रह अठारह नौ रुपए दस रुपए पे चलता था और उसके बाद दोबारा शेयर डेढ़ सौ रुपए तक यहाँ पर भागता हुआ नजर आया फिर गिरावट और शेयर अब यहाँ पर भागने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है तो क्या शेयर को लेना है उससे रिलेटेड जब टेक्निकल की बातें करेंगे तब बातें करेंगे एज वेल एज यहाँ पर देखते हैं तो इ क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे हैं कंपनी का हाईएस्ट अवर रेवेन्यू आया इस बार पिछले बारह क्वार्टर की बात करें तो हाईएस्ट अवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाइस्ट अवर तो नहीं कहूँगा बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा आया जो कि क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे भी अच्छा है मार्जिन कंपनी के अच्छे खासे आया तेईस परसेंट के जो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा नजर आता है और कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें छः करोड़ का वो भी ईयरली क्वार्टरली बेसिस अच्छा आ रहा है तो कंपनी ईपीएस नेट मार्जिन सब अच्छे आते की तरफ निकलता नजर जो मैं टेक्निकल में बताऊंगा ईयरली बेसिस पर बात करें कंपनी का ईयरली बेसिस परफॉर्मेंस ठीक ठाक है ओके एक करोड़ रुपए से प्रॉफिट यहाँ पर अठारह करोड़ तक पहुंच गया मतलब ग्रोइंग मैनर में है। एक पॉजिटिव बात है

70 के शेयर है उसमें से कुछ नामी गी लोग हैं उन्होंने थ्री पॉइंट सेवन फोर वन पॉइंट टू सेवनों ने अभी लिया है ये शेयर ओके okay, इनका नाम मोस्टली टाइम आता भी है और आशीष आशी राय इन्होंने भी ये शेयर अभी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लिया है तो आप यहाँ पर जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का बल्क डील होती हुई नजर आई है बाइंग सेलिंग यहाँ पर आ, कल की डेट में भी काफी सारी यहाँ पर हुई है ओके okay, जो ट्रेडिंग की बात की जाए अच्छी खासी ट्रेडिंग यहाँ पर डेली बेसिस पे होती हुई नजर आ रही है तो अच्छा ट्रेड हो रहा है इसमें मतलब यहाँ पर ट्रेड के बेसिस पे शेयर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आ रहा है क्या शेयर को यहाँ पर लेना चाहिए या बेचना चाहिए क्या करना चाहिए क्यों क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल के बेसिस पे हम बात करेंगे फंडामेंटली अच्छी नजर आती है असोफार अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के टेक्निकल की बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन बेलाइकन हेट के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस मिलते और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और एक वीडियो आई है जहां पर माउंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड बातें करी है बाकी ये देखिए आई एक्स से रिलेटेड बातें करी थी वो भी गिरा यहाँ पर इसके अलावा ये शेयर बताया था ओके इसमें भी आपको बताई थी रणनीति वही होता हुआ नजर आया इस शेयर में जो बताया था कि शेयर भागेगा तो यहाँ पर देखिए ये भी भागता हुआ नजर आया तो आई वीडियो को देखते रहिए और आपको पता है हमारा एक कोर्स चलता है जहां पर हम बताते हैं कि कब यहाँ पर शेयर को लेना है कब बेचना है क्या टेक्निकल है क्या फंडामेंटल है किस तरीके से फंडामेंटल टेक्निकल को एनालाइज करके आप शेयर को चूज कर सकते हो और चूज करने के बाद यहाँ पर शेयर को भगा सकते हो पर ले सकते हो और वो भागता हुआ नजर आएगा स्टेजेस क्या होती है कब स्टेजेस में पता चलता है कि यहाँ पर लेना है यहाँ बेचना है तो वो यहाँ पर सीख सकते हैं तो बेसिक्स टू एडवांस फंडामेंटल रिसर्च रिसर्च और फंडामेंटल टेक्निकल एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट सब सिखाया जाता है इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिए पॉज कर लीजिए नंबर को नोट कर लीजिए डबल एट सिक्स जीरो फाइव फोर जीरो फाइव जीरो वन एट वन सिक्स नाइन टू सिक्स वन जीरो थ्री सेवन नंबरों पे कांटेक्ट करके यहाँ पर कांटेक्ट करिए कोर्स की फीस सत्रह हजार पाँच सौ यहाँ पर पंद्रह हजार लिख रहा है ओके तो यहाँ पर पंद्रह हजार नहीं आप सत्रह हजार पाँच सौ की फीस हो गई है कंप्लीट कोर्स थ्री मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग स्ट्रैटेजी मार्केट में यूज होती है ऑनलाइन नोट सब दिया जाएगा ओके और ये कोर्स करने के बाद आई विल मेक श्योर कि मार्केट से जैसे ही आप आओगे थोड़ा सा मार्केट का एक्सपीरियंस और ले लेना अगर आप नए हो और आपका मार्केट का एक्सपीरियंस है और फिर कोर्स को करते हो तो और भी अच्छी बात है और नहीं है तो यहाँ पर कोर्स को कर लीजिए फिर उसके बाद उतरिए तो और अच्छा आपके लिए हो जाएगा और जब निकलोगे तो दुनिया की किसी भी मार्केट में किसी भी यहाँ पर चार्ट में ओके okay, आप काम करके देख लीजिएगा फ्यूचर ऑप्शन का भी थोड़ी बहुत यहाँ पर नॉलेज दे दूंगा ओके okay, जैसे ही आप निकलोगे तो यहाँ पर अच्छा पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ जब आप फॉलो करेंगे तो और आपको पता है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है उस व्हाट्सएप ग्रुप को अगेन इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ऐड हो सकते हैं वन थाउजेंड रुपीज पर मंथ पर मंथ ओके एक महीना है केवल एक हजार रुपए देने वहां तो पर हम अच्छे अच्छे स्टॉक्स देते हैं और वो अच्छे खासे भागते हुए नजर आते हैं जैसे डेढ़ महीने में डेढ़ सौ परसेंट ओके दस से ग्यारह परसेंट ये शेयर भागा ग्यारह परसेंट ये शेयर भागा तो इस तरीके से स्टॉक्स भी हम यहाँ पर देते रहते हैं पैनी स्टॉक्स बड़े स्टॉक्स सब तरीके के स्टॉक्स यहाँ देते हैं ताकि यहाँ पर आप पैसा बना सके और जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है ओके okay, जो हम हमारी हेल्प लेना चाहते हैं पांच से दस लाख का पोर्टफोलियो तीन लाख का पोर्टफोलियो तो यहाँ पर थोड़ी सी उसमें चार्जेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी बाकी हम पर पर बात करके यहां पर आपके लिए काम कर सकते हैं पर तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल यहाँ पर देखिए शेयर जब आया में एक गिरावट हुई गिरावट के बाद शेयर यहाँ पर आया और यहाँ पर एक रजिस्टेंस था उस रजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक किया ब्रेक फॉल्स ब्रेकआउट के बाद चीजें नीचे आई एक कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर चीजें भागती हुई नजर आई अच्छे खासे रिटर्न और है से ये 125 रुपीस पे जा चुका है। अच्छे खासे रिटर्न मिल चुके हैं क्या ये रिटर्न यहाँ पर खत्म हो गए तो सबसे अस्सी परसेंट के रिटर्न के बाद चीजें थोड़ी सी कंसोलिडेट हो रही है चीजें लगातार यहाँ पर भागी है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक तो यहाँ से है

ओके okay, क्योंकि चीजें थोड़ी सी और नीचे आ सकती है अगर आप यहाँ पर लेते हो तो और उसके बाद जैसे ये पर्टिकुलर रेंज से निकलेगा ओके okay, तो यहाँ पर अच्छे खासे निकलेगा और अगर अभी कैच करना चाहते हो इस शेयर को तो इसे 126 के ऊपर निकलने दो तो एक स्टॉप लॉस लगाइएगा उस टाइम यहाँ पर सात आठ रुपए का और चीजों को ऊपर जाने देना फिर उसके बाद जो टारगेट है तो सबसे पहले टारगेट आपके 146 के आसपास के होंगे जो कि मुझे लगते हैं कि यहाँ पर आते हुए दिखाई दे जाएंगे और अगर मैं इसका वीकली चार्ट पैटर्न जाता हूँ तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जैसे ही इस पर्टिकुलर रेंज से ये निकलेगा और वन से निकलेगा तो यहाँ पर एक तेजी होती हुई नजर आएगी और वो तेजी क्या बताएगी वो तेजी बताएगी कि इस शेयर में और तेजी होने वाली है जो कि अलग अलग लेवल पे इसे लेके जाएगी सबसे पहले अगर मैं बात करूं जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो शेयर आ, 143 है ओके okay, उसके बाद 172 का लेवल यहाँ पर नजर आता है फिर मुझे दो सौ का लेवल निकल नजर आता है फिर मुझे ढाई सौ का लेवल नजर आता है फिर 283 और फिर तीन और इसके बाद चार सौ तो ये भी लेवल निकल सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है कितना 100 परसेंट की तो रिटर्न चाहिए इसे चार सौ तक पहुंचने के लिए तो चार सौ तक यहाँ पर ये पहुंच जाएगा ओके दो सौ सॉरी ये सौ रुपये चल रहे मैं दो सौ समझने लग गया था तो दो सौ ढाई सौ के रिटर्न भी मिल सकते हैं बट इतने बड़े टारगेट अभी सेट करना सही नहीं रहेगा उसके लिए कंपनी को और ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ेगा परफॉर्मेंस अच्छी आई तो शेयर यहाँ पर भाग भी लेगा ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है तो यहाँ पर ध्यान रखो इस शेयर की तरफ ये वो, ऐसे वॉल्यूम देखिए कभी आए नहीं है इस चीज की तरफ भी ध्यान दीजिएगा और प्राइस एक्शन मूवमेंट यहाँ पर अच्छा खासा नजर आता है तो वीडियो अच्छी लगे लाइक लाग, कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब बैलाइकन को हिट करे नंबर ऑफ पर कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर इस पूरे कोर्स की डिटेल्स ले लीजिए ताकि ताकि आपको यहाँ पर पता चले क्या क्या हम सिखा रहे हैं बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में एड होके यहाँ पर इसका भी फायदा उठा सकते सो थैंक यू सो मच कॉर्ड्लिस